जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके आपके अपने YouTube चैनल जॉब मंत्रा में। दोस्तों अगर चैनल पे पहली बार पधार रहे हो, पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप ही का अपना चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि शिक्षा रोजगार या सरकार का कोई भी अगर रिक्रूटमेंट आता है, चाहे स्टेट का हो चाहे केंद्र का हो, तो हम आपके लिए खबर सबसे पहले लेकर के हाजिर होते हैं। जैसा कि पता होगा, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने बहुत बड़ी पहल की है। अब सेना के अंदर जो सोल्जर के लिए जनरल ड्यूटी में अब महिलाओं को भर्ती किया जाएगा। पहले क्या होता था, ओनली महिलाएं जो ऑफिसर कैडर होते थे उन्हीं में जाती थी, लेकिन ये पहली बार मतलब महिलाओं को भर्ती किया जा रहा है। अगर आप महिला हो और अगर सेना में जाने की इच्छुक हो तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना होगा। इसमें हम पूरी योग्यता संबंधी सारी जानकारी बताने वाले हैं, तो देखते हैं। सेना के इतिहास में यह पहला मौका जब महिलाओं को सेना पुलिस में जवान के स्तर पर भर्ती किया जाएगा। महिलाओं के लिए पहली बार खुले सेना के द्वार सोल्जर जनरल ड्यूटी भर्ती। सेना पुलिस में सैनिक के तौर पर महिलाओं की भर्ती के लिए भारतीय थल सेना पहली बार ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले भारतीय सेना के मेडिकल, लीगल, एजुकेशन और इंजीनियरिंग विभाग में महिलाएँ आवेदन कर सकती थी, लेकिन अब महिला भारतीय सेना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक महिला सोल्जर जनरल ड्यूटी की पद पर भी आवेदन कर सकती है। आवेदन की अंतिम तारीख 8 जून 2019 है और अभ्यर्थियों को पहले कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसके बाद फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा और इस भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से 100 पदों को भरा जाना है। और भर्ती के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 17 साल और अधिकतम आयु 21 साल होनी चाहिए। शैक्षणिक योग्यता हम जान लेते हैं। शैक्षणिक योग्यता के लिए इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता हाई स्कूल निर्धारित की गई है। अगर आप हाई स्कूल या इससे समक्ष उत्तीर्ण हो तो आवेदन कर सकते हो। हाई स्कूल में हर विषय में 33-33% और कुल मिलाकर 45% अंक होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ईमेल के जरिए उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। उन्हें शारीरिक जाँच प्रक्रिया में गुजरना होगा। अम्बाला, लखनऊ, जबलपुर, बेंगलोर तथा शिलोंग में इन रैलियों का आयोजन किया जाएगा और तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। सेना की अभी तक 100 महिला सैनिकों की भर्ती के आवेदन निकाला गया है। कुल 800 पदों पर महिलाओं की भर्ती होनी है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट हासिल कर चुकी अभ्यर्थियों को 5 अंक मिलेंगे और बी सर्टिफिकेट के लिए पास होने से 10 अंक मिलेंगे और सी सर्टिफिकेट वाली महिलाओं को लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही नहीं देना होगा। इसके अलावा सेना में कार्यरत अधिकारी, जवान या कर्मचारी की बेटी, सेना में रिटायर्ड कर्मी की बेटी को 20 अंक बोनस के तौर पर दिए जाएंगे और भर्ती के लिए न्यूनतम आयु 17.5 वर्ष और अधिकतम 21 साल रखी गई और 10वीं पास होना जरूरी है। कद कम से कम 142 सेंटीमीटर होना चाहिए और शारीरिक परीक्षा के पास होने के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ और 7.30 मिनट पूरी करनी होगी। आपको आवेदन कैसे करना है वो भी बता देते हैं। सबसे पहले भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पर जाइए और फिर आप जो वहाँ पे केफ्स डाल करके सबमिट कर दें और ऑफिसर सिलेक्शन पर क्लिक करें। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन के लिए नीचे दी गई लिंक पर आप क्लिक करें और मांगे गई सारी जानकारी पढ़ें। इसके बाद अपने सर्टिफिकेट अपलोड कर दें। किसी भी तरह की गलती के लिए आवेदन स्वयं जिम्मेदार होगा। सेना पुलिस में शामिल होने की वाली महिलाएं दुष्कर्म और छेड़छाड़ जैसे मामलों में जांच करेगी। सेना पुलिस का रोल सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ कैंटोनमेंट इलाकों की देखरेख करना भी होगा। तो ये थी खबर। आपने देखा सेना के अंदर महिलाओं सोल्जर जनरल ड्यूटी के लिए भर्ती की जा रही है, उससे संबंधित आपने जानकारी प्राप्त की। कोई भी अगर डाउट रहता है तो कमेंट करके भी आप हमसे पूछ सकते हो। बाकी शिक्षा और रोजगार से संबंधित अगर आपको लेटेस्ट अपडेट पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवाहर।